Hey guys, welcome back to my channel. This is Divya Aggarwal. So, आज की वीडियो होने वाली है एक विंटर स्पेशल वीडियो. In today's video, I am going to compare these two winter babies right here. I am sure you all are familiar with these two products. तो एक है Nivea creme and एक है Nivea soft creme. तो एक एक करके बात करते हैं इन दोनों के बारे में. First जो है Nivea creme, this comes in a blue tub packaging. इसका जो प्राइस है वो है 200 ml के लिए दिस कॉस्ट 240 रुपीस. एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत पुराना है ये मार्केट में. दिस इज 102 इयर्स ओल्ड इन द मार्केट. एंड दिस निविया लाइट मॉइस्चराइजर, इसमें विटामिन ई है. दिस इज 50 ml ऑफ प्रोडक्ट विच रिटेल्स फॉर 75 रुपीस. ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये इस वाले से थोड़ा सा नया है. एंड इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट साइज अवेलेबल हैं मार्केट में. ऐसा नहीं है कि ये आपको 200 ml की पैकेजिंग में ही मिलेगा और ये 50 ml की. इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं. तो आज मैं कंपेयर करूंगी इन दोनों क्रीम्स को कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बट बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए. उसके साथ ही एक स्मॉल बेल आइकन होगा, प्लीज उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है पैकेजिंग, और पैकेजिंग इन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है. ये आता है ब्लू टब पैकेजिंग में और ये आता है वाइट टब पैकेजिंग में. दोनों ही प्लास्टिक टब्स हैं एंड दोनों का जो कैप है वो रिट्रैक्टेबल है. तो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं दोनों ही पैकेजिंग्स. एंड अगर प्राइस की बात करें तो इनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, जबकि जो वाइट वाला है ये 5-10 रुपये थोड़ा ऊपर नीचे होगा. अदरवाइज इन दोनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. टेक्सचर की अगर बात की जाए तो इन दोनों का टेक्सचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ये जो सॉफ्ट क्रीम है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. जैसे इसका नाम है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, बहुत ईजिली ब्लेंड हो गई स्किन के अंदर. ये बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है, 2 सेकेंड भी नहीं लगे इसको एब्जॉर्ब होने में. तो ये बहुत ईजिली ब्लेंड होती है, बहुत सॉफ्ट है ये. एंड ऑन दी अदर हैंड जो ये निविया क्रेम है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है. तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी रनी नहीं है. बट लेट मी शो यू वन ट्रिक, अगर आपसे ये ईजिली ब्लेंड नहीं होती, आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लीजिए. आप इसको डैप डैप कीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर आप इसको ब्लेंड कीजिए, तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगी. देखिए ये भी 2 मिनट में ही ब्लेंड हो गई, बहुत इजीली इस तरह से ये ब्लेंड होती है. अगर आपको इसे ब्लेंड करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं. नाउ सूटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो ये निविया क्रेम है, ब्लू वाला पैकेजिंग है जिसका, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है. विंटर्स में मुझे ये बहुत पसंद है, विंटर्स में ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है. ब्लू वाला निविया क्रेम है, इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे एज अ नाइट क्रीम. आपको फेस अच्छे से वॉश करने के बाद इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जैसे मैंने वो ट्रिक बताया वैसे डैब डैब मोशन में, और उसके बाद आपको इसे मसाज करना है. बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे. मैं इसे एज अ लिप बाम भी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, तो इसे लिप्स पे भी डैप डैप करके और उसके बाद मैं इसे मसाज करती हूँ. और इन दी मॉर्निंग माई स्किन एंड माई लिप्स फील सो सॉफ्ट. तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, पूरी नाइट मॉइस्चराइज रखता है. इसे आप एज अ हैंड क्रीम, एज अ बॉडी क्रीम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये एज अ फेस क्रीम ज़्यादा पसंद है. एज अ लिप बाम यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके बेबी हेयर्स हैं, आपको उन्हें सेट करना है, तो आप थोड़ी सी निविया क्रीम लेके इस तरह से उसको रब कीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी. ऐसा नहीं कि आपके जो वाइट कलर है इस क्रीम का आपके बालों पे दिखे, थोड़ी सी लेके रब कीजिए और उससे आप अपने हेयर्स को सेट भी कर सकते हैं. तो बहुत अच्छी क्रीम है ये. तो अगर इसकी सूटेबिलिटी की बात की जाए तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है. विंटर्स में उनकी स्किन भी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो उनको भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई ज़रूर करना चाहिए.
तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी फेस क्रीम है, नाइट क्रीम, डे क्रीम, आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज अ बॉडी लोशन, एज अ हैंड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये उसके लिए। मैं पर्सनली, मेरी स्किन ड्राई है तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं इस क्रीम को अपने बैग में रखती हूँ हमेशा। मैं कोई भी डिफरेंट हैंड मॉइस्चराइज़र या हैंड क्रीम्स, नेल क्रीम्स और फेस मॉइस्चराइज़र कैरी नहीं करती, मैं सिर्फ ये क्रीम कैरी करती हूँ। अगर मुझे मेरे हैंड्स ड्राई फील हो रहे हैं तो मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे मेरे स्किन पे कहीं भी ड्राइनेस लगती है तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत ही मल्टीपर्पज़ क्रीम है ये, तो इसे मैं ऑयली स्किन वालों के लिए रेकमेंड करूँगी विंटर्स में। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही क्रीम्स जो हैं ये बहुत मल्टीपर्पज़ हैं, आपको ज़रूर इन्हें ट्राई करना चाहिए विंटर्स में। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।